राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां आए दिन तेज रफ्तार के चलते बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों के जानो माल पर बनाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 इलाके में, जहां सेक्टर 18 की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक प्राइवेट बस ने सेक्टर 13 की रेड लाइट पर मुड़ रही एक सिल्वर कलर की i10 को बगल से जोरदार टक्कर मारी, जिससे इस कार में सवार एक महिला समेत लगभग 6 स्कूल छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस कार के दरवाजों के परखच्चे उड़ गए। वहीं दुर्घटना के बाद रोड पर जा रहे राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके से फरार हो रहे बस ड्राइवर को भी धर दबोचा। साथ ही कार में सवार सभी छात्राओं को पास के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इन छात्राओं का इलाज चल रहा है। वहीं इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा हुआ के बच्चे उसमें स्कूल बस कार में थे, 6 बच्चे थे, तो कार के अंदर लॉक थे बच्चे, मतलब जब ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी तो लॉक होती है, तो मेरे लड़का ने और 3 लड़के और थे, 2 लड़के और थे, इन्होंने मतलब खिड़की को खींचा, ठीक है ना, खींच के बच्चों को निकाला, अपने हाथों पे रख के दूसरी गाड़ी में ड्रॉप किया है, कार में बिठाया है। फिलहाल द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस ने बस और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के सेक्टर 13 इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।